हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर सिंह। आई एम फ्रॉम हाइजेन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर माय टॉपिक अबाउट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता क्या है। जैसे कि हम नाम से पता चल रहा है, आयरन की कमी की वजह से हमें एनीमिया, मतलब जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। एंड जो आयरन होता है एक मिनरल होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाजमी है, और जो एक कॉमन कॉज होता है। आयरन जो है एक एनीमिया का टाइप है जो कॉमन कॉज होता है। एंड जो आयरन होता है वो हमारे शरीर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जो आयरन होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन, जो प्रोटीन आरबीसी में प्रेजेंट रहता है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट रहता है। एंड जो इसका वर्क होता है हीमोग्लोबिन का, वो हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब टिश्यूज तक पहुंचाता है हमारे ऑक्सीजन को। एंड जो आरबीसी रेड ब्लड सेल, मेच्योर रेड ब्लड सेल होता है 100%, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। एंड जो रेड ब्लड जो हीमोग्लोबिन होता है दो पार्ट में डिवाइड, जैसे एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबिन। तो हीम जो होता है उसमें आयरन प्रेजेंट रहता है, एंड ग्लोबिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। जो आयरन होता है, तो आयरन कहाँ होता है, जो लीवर में प्रेजेंट रहता है और फ्रेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और ये कब रिलीज होता है, रिलीज उस वक्त होता है जब हमारी बॉडी में नए रेड ब्लड सेल बनते हैं बोन मैरो में, तब ये रिलीज होता है। एंड ये जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है वो अधिकांश महिलाओं में होते हैं, जो इसका हाई रिस्क होता है महिलाओं में होता है। जैसे कि मतलब कोई अगर वुमेन है जिसको मेंसुरेटिंग प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या, मेंसुरेटिंग जो है वो लगातार ब्लीडिंग होती है, मतलब ज़्यादा दिन की ब्लीडिंग होती है, वैसे वुमेन्स में इसका बहुत ज़्यादा आयरन की डिफिशियंसी का खतरा रहता है। एंड वुमेन जो मतलब बेबी को डिलीवर कर चुकी है उसमें भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की थी कॉज रहते हैं। एंड ये जो होता है मेजर सर्जरी, जब सर्जरी होता है उस वक्त भी ब्लड लॉस का खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। जो होता है आप मतलब कुछ जो भोजन कर रहे हो, पुअर डाइट, मतलब आप जब भोजन कर रहे हो, जो खाना खा रहे हो उसमें आप मतलब वेजिटेरियन हो, जैसे कि आप केवल हरी सब्जियाँ ही खाते हो, एंड हरी सब्जियों में तो आयरन मिलता ही है। एंड कुछ होते हैं जिसमें कि आयरन ना मिले, तो अगर आप ऐसे सब्जियां खा रहे हो जिसमें आयरन ना मिले, वो भी आयरन की कमी, उसमें भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने का खतरा रहता है। जैसे कि आप मान लो खाना जो खा रहे हो उसमें आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो, नॉनवेज नहीं ले रहे हो, जैसे मीट हो गया, मांस, मछली हो गया, रेड मांस हो गया, वो सब नहीं ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है जिसमें आयरन आप नहीं लोगे तो आपके शरीर में आयरन की कमी होगी। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन को प्रभाव पड़ेगा, एंड हीमोग्लोबिन को प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में, बॉडी में खून में भी कुछ डिस्टर्बेंस होंगी। एंड इसके सिम्टम्स जो होते हैं आमतौर पर, तो हमें इसके सिम्टम्स जानने के लिए हीमोग्लोबिन का जाँच कराना पड़ता है। एंड कुछ हमारे शरीर में जब बदलाव होते हैं उससे भी पता चल जाता है कि हमें मतलब एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो चुका है। जैसे कि हमारे शरीर में वीकनेस, मतलब हम कुछ दूर चले गए, पैदल चले गए तो थकान फील होता है। एंड जो हमारे चेहरे और आँख में जो कलर चेंजेस होती हैं उससे भी पता चलता है कि मतलब हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो चुका है, खतरा रहता है। एंड जो होता है हमारे नेल्स के ऊपर सफ़ेद धब्बे जो होते हैं, सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। एंड ब्रीदिंग में भी हमारे मतलब कठिनाइयाँ होती हैं, वो भी सिम्टम्स हैं इसके। एंड इसके जो बचाव है, मतलब हम क्या करें जिससे कि हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ना हो, तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो डाइट हम ले रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें हम मतलब संतुलित आहार लें, मतलब ऐसा चीज़ खाएं जिससे कि हमें आयरन और प्रोटीन मिले, दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो जैसे हो गया कि हम अगर वेजिटेरियन हैं तो उसमें हम हरी सब्जियाँ खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन मिले, प्रोटीन मिले, वैसी सब्जियाँ खाएँ। और नॉनवेज भी हैं तो हमें नॉनवेज में रेड मांस खाना है, मीट खाना है, मछली खाना है, एग खाना है। एग जो होता है उसमें एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, उसमें प्रोटीन होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जो इसके लिए मतलब हमें मतलब रेगुलर, मतलब जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसमें हमें मतलब आयरन और प्रोटीन मिलना चाहिए, ये सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
जो उसका ट्रीटमेंट मेडिकेशन जो होता है, मतलब तो बचाव हो गया, जो मेडिकेशन होता है, जैसे कि हम मतलब आयरन डिफिशेंसी एनीमिया हो गया तो हम क्या करें, जैसे कि हमारे शरीर में आयरन की पूर्ति हो जाए, मतलब जो आयरन है वो मतलब हेमोग्लोबिन उसमें आयरन की पूर्ति हो जाए, तो इसके लिए हमें आयरन का ओरली ओरली टैबलेट आता है वो भी ले सकते हैं, लिक्विड आता है वो भी ले सकते हैं। एंड खासतौर पे इसे प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट वुमेंस को मतलब बहुत ज़रूरी रहता है, जब और मतलब वुमेंस प्रेग्नेंट हो तो उस वक्त हमें आयरन की बहुत आवश्यकता होती है वुमेंस को देने के लिए, तो उस वक्त भी हम इसे दे सकते हैं। एंड ऑल अबाउट दिस, थैंक यू।